महंगाई नमस्कार मैं आदित्य यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4TODAY। जनता पार्टी का साइकिल मार्च निकल रहा है मौजूद और हमारे साथ जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद है। हमारी तस्वीरों में साफ देख सकते हैं सुरक्षा बल भी यहाँ पे तैनात हो चुके हैं। लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो कुछ कार्यकर्ता से बात करते हैं और जानते हैं कि आंदोलन कब तक चलेगा और कहाँ तक चलेगा। 5 सूत्री मांग को लेकर आज जन अधिकार पार्टी गांधी मैदान के 1 नंबर गेट से आज हम लोग क्रांति दिवस के मौके पर हम लोग गांधी मूर्ति और ये जो है शहीद स्मारक पर माल्य अर्पण करने जा रहे थे। लेकिन ये सरकार वही अंधी जब ललन सिंह ये बिहार में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आया तो सारा प्रशासन डांस कर रहा था ये ललन सिंह के कार्यकर्ता के साथ और आज यह जो है हमें यह जाने से रोक रही है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक पप्पू यादव 22 बार नहीं हो जाते। जैसा कि आपने देखा एक कार्यकर्ता से बात किया और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे ये आंदोलन कब तक चलेगा। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के पूर्व विधायक भाई दिनेश मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस महंगाई को लेकर आज जो साइकिल मार्च चल रहा है ये कहाँ तक चलेगा और कब तक चलेगा। देखिए आज पूरे देश के अंदर चाहे डीजल हो पेट्रोल हो सरसों तेल हो या खाद्य पदार्थ हो लगातार महंगाई बढ़ते जा रहा है। जन अधिकार पार्टी महंगाई के खिलाफ बढ़ते अपराध के खिलाफ बाढ़ पीड़ितों के मदद के लिए कोरोना में मदद के लिए लगातार सड़कों पर आंदोलन करने का काम किया है और आज 9 अगस्त क्रांति के दिवस पर साइकिल मार्च जन अधिकार पार्टी ने निकाला है। इसमें 5 सूत्री मांग है, जातीय जनगणना हो, महंगाई पर रोक लगे, बेरोजगारी सब समाप्त हो, अपराध पर लगाम लगे और जो आज संसद जो लगातार ठप हो रहा है जासूसी कांड का सरकार तत्काल जांच करावे। अभी तक सरकार ने नहीं कहा कि हम जांच कराएंगे नहीं कराएंगे, हम करा रहे हैं। इस सवाल को लेकर जन अधिकार पार्टी आज साइकिल मार्च निकला है। प्रशासन ने रुकने का काम किया है। आप सभी जान रहे हैं कि पप्पू यादव लगातार बिहार के हर समस्याओं पर लड़ने का काम किए हैं जिनके कारण आज उनको 3 माह से जेल में बंद रखने का काम किया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जन अधिकार पार्टी सड़क पर आंदोलन कब तक चलेगा। जब तक महंगाई पर रोक नहीं लगेगा, पप्पू यादव का बिल नहीं होगा, जब तक जातीय जनगणना नहीं हो पाएगा तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। यहाँ पे तो पुलिस द्वारा बैरिकेटर लगा के रोक दिया गया, आगे कैसे बढ़िएगा। पुलिस से हम लोग बात करें कि हम लोग जा रहे हैं सब मूर्ति तक जहाँ पर हम लोग नल्यापण करेंगे। पुलिस रोकने का काम किया है लेकिन हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा इन्होंने कहा है कि 5 सूत्री मांगों को लेकर ये आज आंदोलन कर रहे हैं जो गांधी मैदान के पास आकर इनको रोक दिया गया है। अब ये पुलिस द्वारा रोक दिया गया, ये आगे बढ़ पाते कि नहीं बढ़ पाते हमारे न्यूज़ के अपडेट में आप देखते रहिएगा। और क्या लगता है इनके आंदोलन आज पूरे हो पाएंगे, ये आंदोलन कब तक चलेगा ये बता नहीं सकते लेकिन ये आंदोलन अभी चल रहा है, आगे क्या होता है इस पर आगे बताएंगे। तब तक बने रहे हमारे चैनल पे न्यूज़ 4TODAY। धन्यवाद।